हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं शालिनी कुशवाहा फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ मिशन शिक्षण के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इंग्लिश ग्रामर शीट क्रमांक 12 में, जिसका आज का प्रकरण है द वर्ब्स पर्सन एंड नंबर। इस शीट को पढ़ लेने के बाद किस पर्सन के बाद और किस नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और जहाँ जहाँ आपसे कुछ भी गलतियाँ होती थी आगे से नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर शीट क्रमांक 12, द वर्ब्स पर्सन एंड नंबर। द वर्ब अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट्स इन पर्सन एंड नंबर। हमारा जो मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, वो हर हाल में पर्सन और नंबर, जो वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो किस पर्सन या किस नंबर में है, इससे अग्री करना चाहिए। द नाउन एंड प्रोनाउन हैज़ टू नंबर्स। आपने ये देखा होगा कि जो नाउन होती है हमारी या फिर जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, उन दोनों के ही यहाँ पर हैव आएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे द नाउन एंड द प्रोनाउन, द नाउन एंड द प्रोनाउन हैव टू नंबर्स। नाउन और प्रोनाउन के दो नंबर्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो द पर्सनल प्रोनाउंस हैज़ थ्री पर्सन्स, जबकि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके थ्री पर्सन्स होते हैं। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज आई और वी। देखो बेटा, इसको हम हमेशा इस तरह से देखते हैं कि मैं और आप बात कर रहे हैं, तो जो बोल रहा होगा वो हमेशा मैं होगा, आई होगा या हम होंगे, और जिससे हम बात कर रहे हैं तो वो हुए आप या फिर तुम। तो वो हमेशा, जिससे हम बात करेंगे वो हमेशा सेकेंड पर्सन होगा, इट मीन्स यू, और जिसके विषय में बात कर रहे होंगे, चाहे वो कोई भी हो, जिस भी पर्सन के विषय में बात कर रहे होंगे वो हमारा कौन होगा, वो हमारा होगा थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, दे, कई कई बार इट भी होता है। ठीक, अब इनके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं ये भी सोचना है। तो वर्ब एंड सब्जेक्ट एनिमल एग्रीमेंट, वर्ब एंड सब्जेक्ट अग्रीमेंट। तो इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आई के साथ एम का यूज़ होता है और आई के साथ वॉज का भी यूज़ होता है। जैसे प्रेजेंट के लिए एम हो गया और पास्ट के लिए वॉज हो गया। आई के बाद हैव का यूज़ होता है। मेरे पास कोई चीज़ है, आई हैव अ पेन, आई हैव टू ब्रदर्स, I have my lunch, तो इस तरह से वहाँ पर क्या यूज़ होता है, have का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, we के साथ क्या यूज़ होता है। we के साथ प्रेजेंट में are, पास्ट में were और have, जैसा कि I के साथ have यूज़ होता है वैसा ही have, we के साथ भी have ही यूज़ होता है। यू के साथ भी देख लेते हैं, सेकेंड पर्सन अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पर देखिए ये सेकेंड पर्सन, तो इसका मतलब यू के साथ प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर्ब और यू के साथ भी हैव का ही यूज़ होता है। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारे पास अब है ही या फिर शी। आपको पता है ना ही हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बताइए। हम ही का यूज़ करते हैं बॉय के लिए, मैन के लिए, और शी का यूज़ करते हैं गर्ल के लिए या फिर वुमेन के लिए। तो ही के साथ, शी के, ही के साथ या फिर शी के साथ प्रेजेंट में इसका प्रयोग करते हैं, पास्ट में वॉज का, और इन दोनों के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ अ सिस्टर, He has a notebook. She has her pen. तो इस तरह से इसमें has का यूज़ होता है।
इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, दे। जब बहुत सारे लोग हुए तो हम वहाँ पर दे का यूज़ करते हैं, और दे के साथ क्या यूज़ करते हैं? आर, दे आर, दे व, दे हैव। फिर से देख लेते हैं, प्रेजेंट के लिए दे आर, पास्ट के लिए दे व और दे हैव। आगे देखते हैं अभी हमें क्या और सीखना है। सिमिलरली मेन वर्ब्स आर आल्सो यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। और जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब क्या हुआ, जैसे रीडिंग, रीड, प्ले, ईट, ये सारे मेन वर्ब हुए, तो वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एस और ई एस इज एडेड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एस या ई एस को लगा देंगे वर्ब में, जैसे कि एज ही प्लेज। अभी देखिए प्ले था, इसमें हमने एस लगा दिया। शी टीचेस, टीच होता है ना, उसमें हमने ई एस लगा दिया, तो ये टीचेस बन गया। अब हम आगे बढ़ें तो ये देखिए, इफ़ द मेन वर्ब इज़ प्लूरल, और अगर जब मेन वर्ब हमारी प्लूरल हो जाए तो क्या करेंगे, तो मेन वर्ब प्लूरल नहीं, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग तो होता है, अगर वो प्लूरल है तो एस या एस को हटा देंगे। एस और एस इज़ नॉट एडेड टू द मेन वर्ब, एज दे प्ले वी स्पीक। जैसे इफ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर सब्जेक्ट हमारी प्लूरल है तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर एस या आई एस का यूज़ नहीं करेंगे। आइए एग्जांपल से भी देख लेते हैं, जैसे दे, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो यहाँ हमने प्ले लगाया, एस या आई एस का यूज़ नहीं किया। वी स्पीक। और अब आगे बारी हमारी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई डैश डूइंग माय होमवर्क। अब आई के साथ हमेशा ध्यान रखना, आप प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट जो होगा उसमें एम का यूज़ ही होता है। आई एम डूइंग माय होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, शी अ पर्पल ड्रेस। तो शी इज़, अगर हम यहाँ पर इज़ का यूज़ करें तो इसके साथ हमारा मेन वर्ब भी होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है हैज़ के साथ, कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। अभी यहाँ पर इसका मतलब है कि उसके पास है, वह रखती है, तो शी हैज़ अ पर्पल ड्रेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ए हैज़। थर्ड, यू, यू कैपिटल हो जाना चाहिए था, यू डैश लुकिंग फैबुलस, तो यहाँ पर यू के बाद आर, यू आर लुकिंग फैबुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर देखिए वी, ये डब्ल्यू भी कैपिटल ही होगा, वी डैश प्लेइंग क्रिकेट मैच लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब कि पास्ट में चले गए, और पास्ट में चले गए तो यहाँ पर वी वर आएगा, वी वर प्लेइंग क्रिकेट मैच लास्ट वीक, हम लोग लास्ट वीक क्रिकेट मैच खेल रहे थे। आई डैश अ ब्यूटीफुल बास्केट, आई के साथ हैव का यूज़ होगा, इसलिए सिंपल सा आई हैव अ ब्यूटीफुल बास्केट। और आंसर शीट जो है 11 की, वो हम साथ साथ करते ही गए हैं, तो इस तरह से आपका आज ये वर्ब का, जो वर्ब पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। एक कॉम्प्रिहेंशन एज यूजल हमेशा की तरह है, जिसे आप बार 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 रीड करेंगे, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, तो इसको आप पूरी तरह से पढ़ें
और ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी रीड करें, ध्यान से सोचें और इनके आंसर्स लगाएं, और इनके आंसर्स जो है आपको वो नेक्स्ट जो आपकी शीट होगी उसमें मिल जाया करेंगे। तो आप सभी लगातार पढ़ते रहिए, अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करते रहिए, और हम फिर से अगली शीट में आएंगे और कुछ नई जानकारी फिर से सीखेंगे। नई चीज़ें सीखने से हमारी प्रतियोगिता की जो तैयारी है वो और मजबूत होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।